जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसआरए में झोपड़ी धारक का डर। बहुत बड़ा विषय है, इस पर कोई बात नहीं करता कि झोपड़ी धारक को कितना डर है एसआरए में जाने में। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं एसआरए में झोपड़ी धारक का डर। देखिए कैसा है, झोपड़ी धारक को डर भी है और आक्रोश भी है, क्योंकि कैसा है, उसके घर की बात है, क्योंकि घर बहुत मेहनत से बनाया जाता है, तो डर भी रहेगा और अगर चला गया तो उसका आक्रोश भी रहेगा। तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि झोपड़ी धारक को डर किस बात की है। देखिए कैसा होता है, हम अपने प्रोजेक्ट में डेवलपर को अपॉइंट कर देते हैं, सोसाइटी को अपॉइंट कर देते हैं, जिसका 51% मेजॉरिटी देना पड़ता है। लेकिन क्या हमें मालूम है कि अगर हम एसआरए में जा रहे हैं तो हमें क्या क्या मिलने वाला है, हमारे को कैसे डील किया जाएगा, हमारा भाड़ा कैसे दिया जाएगा, हमको हमारा घर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब प्रोविजंस बिना जाने हम एसआरए प्रोजेक्ट में घुस जाते हैं, जबकि 51% मेजॉरिटी देना है। लेकिन 2% लोग भी एसआरए के, उनको मालूम नहीं है कि क्या प्रोविजंस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है और हमें डेवलपर के साथ में क्या एग्रीमेंट करने चाहिए, और फिर भी एसआरए प्रोजेक्ट में घुस जाते हैं। हम डेवलपर अपॉइंट कर देते हैं, सोसाइटी अपॉइंट कर देते हैं बिना जाने। तो देखिए कैसा है, जायज़ है, जब आपको कोई भी प्रोविज़न, कोई भी पॉलिसी, एसआरए द्वारा क्या मिलेगा, एसआरए द्वारा क्या बेनिफिट है, इसका क्या एडवांटेज है, ये सब जाने बिना अगर हम अपॉइंट कर दें तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर डर रहेगा। क्यों डर रहेगा, क्योंकि हमें एसआरए के बारे में, उसकी बारीकियों के बारे में, उसकी पॉलिसी के बारे में हमें नहीं मालूम है, तो हमें हमेशा डर रहेगा कि हमें घर मिलेगा या नहीं मिलेगा। और हर एक झोपड़ी धारक को ऐसा लगता है कि घर डेवलपर देगा, तो इससे और भी ज़्यादा डर लगता है। लेकिन उनको जानना पड़ेगा कि एसआरए प्रोजेक्ट में डेवलपर हमें कुछ भी नहीं देने वाला है, हर एक चीज़ पॉलिसी के अनुसार मिलेगा। एसआरए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट नहीं है कि वो डेवलपर द्वारा हैंडल होगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एसआरए में पहले आपकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी, आपकी पात्रता कैसे होगी, फिर उसके बाद में आपको भाड़ा किस रेट से मिलेगा, फिर आपको घर कितने एरिया का, किस हिसाब से, क्या एमिनिटीज़ के हिसाब से, किस लोकेशन पे बना के मिलेगा, तो ये सब जानना ज़रूरी है। और इसके बीच में स्टार्ट से लेके अंत तक, ख़त्म होते तक आपके प्रोजेक्ट का, आपको ये नहीं मालूम होगा कि आपको क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी। तो आप बताइए, आपके अंदर डर तो जायज़ है, क्योंकि घर की बात हो रही है। यदि आप जब घर की बात करते हैं और आपके घर छिन जाने की बात आती है तो डर जायज़ है। अब देखिए, इसमें ये लगता है हमें कि डेवलपर हमें, अगर डेवलपर के साथ में नहीं जाते हैं तो हमें डेवलपर घर नहीं देगा, हमें डेवलपर भाड़ा नहीं देगा, हमें डेवलपर अकोमोडेट नहीं करेगा। लेकिन जानने वाली बात यह है कि देखिए कैसा है, डेवलपर इसमें एक सिर्फ कंस्ट्रक्शन करने वाली अथॉरिटी है, जो कंस्ट्रक्शन करती है। आपका जो भी प्रोजेक्ट उठाएगी एसआरए के अंतर्गत, आपके बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेगी, आपको प्रोविज़न के हिसाब से आपको भाड़ा देगी, आपको फ्लैट अलॉटमेंट होगा, सब कुछ एसआरए द्वारा होगा। डेवलपर इसमें कुछ नहीं करने वाला है, डेवलपर को एसआरए की पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना पड़ता है। बस बात ये आती है कि देखिए, हमारा जो सिस्टम है
वो पूरा करप्ट है। तो जब आपका सिस्टम करप्ट है तो ऑटोमेटिकली लोगों को ये मालूम है कि यदि हम अथॉरिटी से भी अप्रोच करते हैं तो हमारा काम होगा कि नहीं होगा। देखिए आजकल ये हो गया है कि देखिए आपका हर एक डॉक्यूमेंट है, आप मेरिट पे हो, लेकिन फिर भी कैसा है, आपको अपना हक नहीं मिलता। तो कैसा है, यहाँ पे हमारा सिस्टम टोटली डिफ़ॉल्ट में है, ठीक है। अब सिस्टम के अगेंस्ट कौन लड़ेगा? और जो सिस्टम है वो डेवलपर ऑपरेट कर लेता है, जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो डेवलपर अपने हिसाब से मैनेज कर लेता है। तो ऑटोमेटिकली है झोपड़ी धारक को डर जायज़ है, कहीं ना कहीं उसका घर चला नहीं जाए। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, जो आपका डर है वो डर के वजह से ही आपके प्रोजेक्ट प्रॉपर बन नहीं पा रहे हैं, लोगों को समय से घर नहीं मिल पा रहे हैं, समय से भाड़ा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये डरता है कि मैं उसकी मदद करने जाऊंगा तो वो मेरे पीछे लग जाएगा। देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स पर पात्र हो, आपका सब डॉक्यूमेंट वैलिड है, तो आप प्रोजेक्ट में कोई भी बात इत्मीनान से रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हर एक व्यक्ति को इकट्ठा होके डेवलपर से और सिस्टम से लड़ना पड़ेगा। देखिए हम जितने भी सोसाइटीज़ के साथ में काम कर रहे हैं वो सोसाइटी यूनाइटेड है, वो अपने लोगों के लिए काम कर रही है, इसलिए वहाँ पे ना तो डेवलपर सक्सेसफुल हो पा रहा है, ना तो सिस्टम जो अथॉरिटी उनके ऊपर उनके खिलाफ काम कर पा रही। क्यों? क्योंकि जो सोसाइटी है वो अपने लोगों के लिए काम कर रही है बाखूबी, और ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं जिनके साथ में मैं काम कर रहा हूँ। तो डर क्यों? डर इसलिए क्योंकि आपको प्रोविज़न नहीं मालूम, आपको पॉलिसी नहीं मालूम, और ये जाना जा सकता है। आपका प्रोजेक्ट है, आपको नहीं मालूम, आप इसकी जानकारी लीजिए। बहुत सारे वीडियोस हमारे SRA के ऊपर अवेलेबल हैं, आप हर एक इशू पे हमारे वीडियोस देख सकते हैं, जिससे आपको नियर अबाउट 50% नॉलेज आ सकता है। और यदि और भी नॉलेज चाहिए तो आप हमारे ऑफिसेज विज़िट कर सकते हो, जिससे कैसा है, आपका पूर्णतः जो डर है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि SRA में जो झोपड़ी धारक का डर है कि उनका घर कहीं चला ना जाए, वो डर जायज़ है, लेकिन आपको जानने की ज़रूरत है कि आपका अधिकार क्या है। जब आपको अधिकार मालूम है, आपको पॉलिसी मालूम है, आपको प्रोविजंस मालूम है, आपको सिस्टम ऑपरेट कैसे होता है, अथॉरिटी चलती कैसे है, अथॉरिटी से काम कैसे कराना है, जब आपको समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग भी आराम से काम कर पाएंगे, आपकी सोसाइटी आपके लिए काम करेगी फिर, और आपका डेवलपर बाखूबी बरोबर काम करके आपके बिल्डिंग बरोबर बना के देगा, आपका भाड़ा टाइम टू टाइम देगा, और हर एक एमिनिटीज आपको प्रोवाइड की जाएगी बिना किसी शक के। लेकिन आपको आपके अंदर से ये डर निकालना पड़ेगा कि डेवलपर ही हमें सब कुछ देगा, डेवलपर आपको कुछ भी नहीं देगा, क्योंकि डेवलपर के हाथ में कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ अथॉरिटी के हाथ में, और आपको अथॉरिटी के हिसाब से काम करना पड़ेगा। हाँ ये हो सकता है कि आपका काम थोड़ा डिले हो, लेकिन आपका काम होगा ज़रूर। तो आपको कैसा है, किसी भी प्रोजेक्ट में टेनेंट्स को डेवलपर से डरने की ज़रूरत नहीं है, यदि उनको प्रोविजंस मालूम है, उनको सिस्टम मालूम है, उनको अप्रोच करना मालूम है कि किसको अप्रोच किया जाए, किस टाइम अप्रोच किया जाए, किस चीज़ के लिए अप्रोच किया जाए, तो ऑटोमेटिकली वो प्रोजेक्ट में कोई भी कमी नहीं रह सकती, और वो प्रोजेक्ट बाखूबी बहुत अच्छे उम्दा तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। जहाँ पे
किसी भी टेनेंट को कोई भी डर नहीं रहेगा और उनका घर के समय से उनके अनुरूप मिल जाएगा, उनको भाड़ा भी उनके हिसाब से मिल जाएगा। देखिए, आपके अंदर डर रहता है तो डेवलपर आपको उतना ही निचोड़ता है। देखिए, एरिया में 18,000 रुपया भाड़े चल रहे तो डेवलपर आपको 10,000, 11,000, 12,000 ये भाड़े तय करता है। आप क्यों चले जाते हो? क्योंकि बाकी लोग चले गए। कोई व्यक्ति इस मुद्दे पे बात करने को तैयार नहीं है कि 10,000 रुपये में आज के रेट में जब स्लम पूरे ख़त्म हो गए हैं तो आपको फ्लैट में जाना पड़ेगा। नियर अबाउट कोई भी कहते हैं 1 आर के भी लेते हैं तो आज के रेट में 16 से 18,000 रुपया भाड़ा है, तो आप 10,000 रुपये में या 12,000 रुपये में कैसे अकोमोडेट होंगे? लेकिन यहाँ पर आपका डर है कि अगर मैं मुंह खोलता हूँ तो क्या होगा। देखिए, ऐसा है, जब आप अपनी जगह पे सही हैं तो ऑटोमेटिकली आप आवाज़ उठा सकते हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके अंदर डर रहेगा तो डर डर के जीने से अच्छा मरना बेहतर है। और अगर आपके अंदर डर है तो SR प्रोजेक्ट में जाना ही नहीं चाहिए, जब तक आप क्लेरिफाई ना हो जाए कि आपको क्या मिलेगा। हर एक चीज़ कहते हैं कि ऑन MOU होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, क्या क्या आपको डिमांड रखने हैं, क्या आपको टर्म्स एंड कंडीशंस रखने हैं डेवलपर को अपॉइंट करते समय, सोसाइटी को अपॉइंट करते समय। तो इससे तो क्या आपका डर ख़त्म होगा? जब देखिए कैसा है, आप एक साथ रह के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, प्रोविज़न समझेंगे, पॉलिसी समझेंगे, आपके अधिकार को समझेंगे, तब तो आपको समझ में आएगा। आपको जानने की ज़रूरत है कि डेवलपर एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर है SRA प्रोजेक्ट में, बाकी पूरी पॉलिसियां, पूरे प्रोविजंस, पूरे अधिकार SRA अथॉरिटी द्वारा दिया जाना है। और SRA अथॉरिटी को अप्रोच कैसे करना है, किस मुद्दे पे, वो आपको मालूम होना चाहिए, तब तो आप अपने अधिकारों को ले सकते हो। जो आपका आज तक डर था कि डेवलपर ही सब कुछ देगा, आप समझ जाइए डेवलपर आपको कुछ नहीं देगा, डेवलपर आपके प्रोजेक्ट का एक कॉन्ट्रैक्टर है ओनली, जो आता है, डेवलपमेंट करता है, आपकी बिल्डिंग बनाता है, उसके बदले में उसको सेल बिल्डिंग बनाने की FSI मिलती है और वो सेल बिल्डिंग बना के बेचता है। तो आपको डरने की क्या ज़रूरत है? यदि डेवलपर आपका कॉन्ट्रैक्टर है तो आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको अपना अधिकार जानने की ज़रूरत है। यदि आपको अपना अधिकार मालूम है तो आपको कोई भी डरा नहीं सकता और आपके प्रोजेक्ट को कोई भी डरा धमका के नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पे हर एक व्यक्ति को अवेयरनेस होनी चाहिए, SRA क्या है, उसके पॉलिसियाँ क्या है, आपको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और क्यों मिलेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। डेवलपर को अपॉइंट करना है तो कैसे अपॉइंट करना है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होना चाहिए, क्या हमारे मुद्दे हैं, इसका सोल्यूशन कैसे होगा, हर एक चीज़ जानना ज़रूरी है, तब तो आपका प्रोजेक्ट आपके अनुसार बनेगा। देखिए, 3-4 लोगों के बहकावे में आके SRA प्रोजेक्ट को ख़राब ना करें। यहाँ पे हर एक लोगों को अपने प्रोविजंस जानने हैं, अपनी पॉलिसी जाननी है, आपके अधिकार जानने हैं, SRA से हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, डेवलपर से हम क्या बेनिफिट ले सकते हैं, उसको किस बेसिस पे अप्रोच कर सकते हैं, डेवलपर को SRA अथॉरिटी को किस बेसिस पे अप्रोच कर सकते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है, तब तो जाके आपका डर ख़त्म होगा। आज हमने बात की SRA में झोपड़ी धारक के डर के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद में मैं आशा करता हूँ कि झोपड़ी धारक के अंदर किसी प्रकार का डर नहीं होगा। देखिए कैसा है, यदि आप मेरिट पे, अपने डॉक्यूमेंटेशन पे आप असली झोपड़ी धारक हो और आप सही वे में पात्र हो तो ऑटोमेटिकली आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है।
वैसे ही लोग प्रोजेक्ट में आवाज़ उठा सकते हैं और डेवलपर और अथॉरिटी के को प्रॉपरली अप्रोच कर सकते हैं। सिस्टमैटिक जो पॉलिसी है वो प्रोविज़न पे बात करें और अपना काम करवा के लें। तो आपने जान लिया कि SRA में टेनेंट का डर कितना होता है, लेकिन आज के बाद में ये डर आपके अंदर नहीं होना चाहिए। आप इस पे पॉलिसी जानें, SRA अथॉरिटी को अप्रोच कैसे करना है वो जानें। आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, हम SRA के हर एक टॉपिक पे वीडियोस डाले जा रहे हैं। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैं सोसाइटी और लोगों को अप्रोच करूँगा कि वो मेरे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं, जान सकते हैं SRA प्रोजेक्ट में क्या प्रोविजंस है, क्या पॉलिसी है, डेवलपर को कब अपॉइंट करना चाहिए, कैसे अपॉइंट करना चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखने चाहिए, वो जान सकते हैं। लेकिन कैसा है, पहल आपको करनी पड़ेगी। जब डर आपको ख़त्म करना है तो पहल भी आपको करनी पड़ेगी, आपको ही लोगों को लेके चलना पड़ेगा। चलिए, आज का उद्देश्य ये था कि जो भी झोपड़ी धारक है उनके डर को ख़त्म किया जाए। मैंने कोशिश की कि इस वीडियो द्वारा हर एक झोपड़ी धारक के डर का निवारण किया जाए। यदि फिर भी कुछ बच जाता है, कोई मुद्दा बच जाता है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। जो भी डर बाकी होगा उसका निवारण करने की कोशिश करूंगा मैं। अब से SRA में झोपड़ी धारक को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि उनको अपने अधिकारों को कैसे लेना है ये मालूम है तो चलिए विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।